नौगछिया में गोपालपुर के बलमतर बांध के पास तेजी से पानी रिसाव होने से प्रखंड में बाढ़ के विकराल रूप ले लिया है। इस दौरान लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। वहीं प्रशासन के उदासीन रवैये से ग्रामीणों में आक्रोश दिनों दिन पनपता जा रहा है। इस संबंध में अगर लोगों की माने तो 2017 में ही पूर्व जल संसाधन मंत्री राजीव ललन सिंह ने इस्माइलपुर बांध का दौरा करने के क्रम में बलमतर बांध का जीर्णोद्धार करने की बात कही थी। इस दौरान मनरेगा के तहत काम भी शुरू हुआ था, लेकिन अब तक यह काम अधर में ही लटका हुआ है। दूसरी ओर गंगा में बढ़ते जलस्तर पर अंचलाधिकारी मोहम्मद फिरोज इकबाल आलम ने कहा कि बाढ़ की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि बचाव कार्य में फ्लड कंट्रोल वालों को भी लगातार काम करने का निर्देश दिया जा रहा है। से ज्यादा परवल डूब गया, क्या इसके लिए प्रशासन ने कभी कोई उपाय किया? अब ये हाल है कि हम अपने पशु के लिए चारा कहाँ से लाएंगे, कैसे क्या काम करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ प्रशासन भूख है, कोई व्यवस्था नहीं है, कैसे विफल, मतलब जो प्रशासन के निष्क्रियता के कारण हम लोग गोपालपुर प्रखंड, इस्माइलपुर प्रखंड, पूरा जहोदत्त में हर बार आ जाते हैं। प्रशासन निष्क्रिय है यहाँ की। क्या तैयारी होना चाहिए, क्या तैयारी प्रशासन ने की? बार से पूर्व जो हम लोगों को हर साल जिस बांध के कारण, जिस भमरा के कारण बार बार हम लोगों को, मतलब सैदपुर हुआ, सुकिया हुआ, तिनटंगा हुआ, बार बार जो हम लोग को झेलना पड़ता है बार, इससे अगर अफसर पहले से अगर तैयारी करे, भमरा को बांधने का काम करे, बांध को मरम्मत होने का काम करे, ऐसी भी विभीषिका हम लोगों के बीच में नहीं आएगी। आवश्यकता है और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट इसके लिए आपको सटीक जानकारी देने के लिए सक्षम है और वहीं से इसकी सही जानकारी गंगा का और जो स्ट्रीम आगे चल गया है उसके बारे में बताएं। सर, यहाँ के जनप्रतिनिधि प्लस पब्लिक का यह कहना था कि 2017 में ललन सिंह जो प्रभारी मंत्री थे वो आदेश किए थे मनरेगा को कि काम ब्रह्मोत्तर बांध में कराने का, लेकिन यहाँ का पब्लिक कहना काम कराया ही नहीं गया है।